फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने मोबाइल के ख़राब चार्जर से एक पावरफुल डीजे एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई ये एक फेक वीडियो है। कुछ लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि भाई इसमें धीमा साउंड आ रहा है, ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तो देखिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एम्पलीफायर को बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक नया मोबाइल चार्जर यूज करें। आप इसमें कोई भी मोबाइल चार्जर ले सकते हैं, बस उसके अंदर ये वाली ट्रांजिस्टर होनी चाहिए। इसका नंबर होता है 13003। तो फ्रेंड्स, चार्जर में दो तरह की ट्रांजिस्टर पाई जाती हैं, देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके की होती है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाली ट्रांजिस्टर से आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में यही वाली ट्रांजिस्टर यूज की थी। तो आप देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको स्क्रीन पर इसका नंबर शो हो रहा होगा, 13003 नंबर होता है इस ट्रांजिस्टर का। वैसे आप इसे आईसी ट्रांजिस्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आपको यहाँ से कैपेसिटर निकाल लेना है। इसकी वैल्यू होती है 16 वोल्ट और 220 माइक्रोफेराड। वैसे आप इसमें 470 माइक्रोफेराड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक 1K की रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ। ये भी आपको इसी चार्जर में यहाँ पर मिल जाएगी, देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये LED के पास में लगी होती है। तो चलिए मैं इसका आपको कनेक्शन बता देता हूँ, किस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का पिन नंबर 1 है उस पर मैंने कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट और रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑक्स केबल यूज कर रहा हूँ। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, तो पॉजिटिव वायर को मैंने कैपेसिटर के पॉजिटिव पे दे दिया है और नेगेटिव को मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 पे सोल्ड कर दिया है। तो आपको सारा कनेक्शन यहाँ पे समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे कनेक्शन जान लेते हैं, किस तरीके से आपको पूरा कनेक्शन यहाँ पे करना है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस तरीके का स्पीकर यूज कर रहा हूँ, ये 8 इंच का स्पीकर है। वैसे आप इसमें 4 इंच का स्पीकर भी बजा सकते हैं, 3 इंच का स्पीकर भी बजा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से 8 इंच का स्पीकर बजा के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसके दोनों वायर को यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। ये इसके दोनों वायर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप किसी भी साइड सोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्पीकर के दोनों पॉइंट सोल्ड कर दिए हैं। जो रेजिस्टेंस का पहले वाला पॉइंट है उस पर मैंने पॉजिटिव वायर सोल्ड कर दिया है, और ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पर मैंने नेगेटिव वायर सोल्ड कर लिया है, जो पिन नंबर 2 है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरा कनेक्शन यहाँ पे समझ आ रहा होगा किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इनपुट सप्लाई के दोनों वायर सोल्ड कर लिए हैं। स्पीकर के एक पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव वायर दे दिया है, और जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 पे दे दिया है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसमें पावर सप्लाई देनी है। तो मैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी से पावर सप्लाई देकर आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस बैटरी को इस तरीके की चार्जिंग किट से भी चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई इसे चार्ज किस तरीके से करें, तो आप इस तरीके की चार्जिंग किट से इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सब कमेंट के रिप्लाई यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो देख पाऊंगा यहाँ पे इसमें सॉन्ग प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको इस स्पीकर में बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हम इसे 3.7 वोल्ट की बैटरी से चला रहे हैं। तो मैं इसमें पावर सप्लाई बढ़ा के आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। देख पाऊंगा यहाँ पे बिल्कुल इसमें धीमी आवाज़ आ रही है इस टाइम। तो ये भी आपकी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका कोई सॉल्यूशन बताइए, तो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से इसकी आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इससे मोबाइल चार्जर से चला के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसमें हीट सिंक यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें LED यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि आपको यकीन आ सके कि स्पीकर यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए वैसे चेक करके देख लेते हैं कि ये 5 वोल्ट से किस तरीके से वर्क करता है। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने इसमें 5 वोल्ट सप्लाई दी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी आवाज़ यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि भाई इसमें बिल्कुल धीमी आवाज़ आ रही है, कोई इसका सोल्यूशन बताइए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप इसमें 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई दें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। देख पाऊंगा यहाँ पे मैं आपको इस ट्रांजिस्टर से 8 इंच का स्पीकर बजा के दिखा रहा हूँ। अगर आप इससे 4 इंच का स्पीकर बजाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई से किस तरीके से वर्क करेगा। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों कमेंट आ रहे थे कि ये बिल्कुल फेक वीडियो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे वर्क करता है कि नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट ये भी आ रहे थे कि भाई आप इसे 12 वोल्ट से चला के दिखाइए और ये 12 वोल्ट पे वर्क करेगा कि नहीं। तो मैं आपको अभी चेक करके दिखा देता हूँ कि 12 वोल्ट से ये चल सकता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसके दोनों वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपको इसमें साउंड यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। तो चलिए यहाँ पर हीट सिंक भी मैंने लगाई है, तो यहाँ पर IC यहाँ पर हीट नहीं कर रही है इस टाइम। तो चलिए उसे चेक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है। आप जो ट्रांजिस्टर यूज़ करें वो नए मोबाइल चार्जर की यूज़ करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 12 वोल्ट पे भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसमें 4 इंच तक का स्पीकर बजाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। 3 इंच का स्पीकर बजाएंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो मैं आपसे सजेशन करूँगा कि आप इसमें 3 से 4 इंच का स्पीकर ही यूज़ करें।
तो मैंने जो थंबनेल में दिखाया है उसी स्पीकर को मैंने इसमें यूज किया ताकि आपको ये यकीन आ सके कि आप इससे 8 इंच का स्पीकर बजा सकते हैं। आप इसमें 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये बिल्कुल रियल वीडियो, मैं जैसे सॉन्ग को कट करता हूँ स्पीकर में आपको सारी यहाँ पे एक्टिविटी आपको नज़र आ रही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए